हाल की 2898 एडी का एक और टीजर आ गया और ये बताई गई है लास्ट, और इसके बाद सीधा फिल्म ही आएगा बॉक्स ऑफिस पर। जिस तरीके से मानना पड़ेगा साउथ के एक्टर जो है बहुत ही खतरनाक, पहले क्यों नहीं दिखाया बाबा। नमस्कार दोस्तों, हमारे बहुत बहुत स्वागत है और आज मैं हरिराम बात करेंगे जो भी काल की 2898 में अपने काम कर रहे हैं उन टीम की, जो कड़ी मेहनत के साथ फिल्म के अंदर जो एक से एक डायरेक्शन और एक से एक कलाकारी दिखाए। महाभारत का वो सीन देखने को मिलेगा आपको काल की 2898 एडी में, जिस तरीके से महाभारत की में युद्ध हुआ था वैसा ही देखने को मिलेगा आपको काल की 2898 जिस तरीके से प्रभास अपनी और खतरनाक तरीके से लड़ने जाते अश्वत्थामा यानी अमिताभ बच्चन को वो सीन देखने को मिलेगा जिस तरीके से इस फिल्म के अंदर दर्शाया गया है खतरनाक तरीके का बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले। ये जो टीजर है ये जो आपको फिल्म ही देखने को मिलेगा इसके बाद बताई गई है, जिस तरीके से फिल्म के अंदर एक्शन और जिस तरीके से पूरी टीम की जो कहानी और काम करते हैं मेहनत के जरिए उस तरीके से बताई गई है। और मानना पड़ेगा कि साउथ के स्टार जिस तरीके से बॉलीवुड टॉलीवुड के दुनिया में अपनी नाम कमाते हैं इस फिल्म में वो दर्शाया गया है कि मेहनत कैसे किया जाता है। फिल्म के अंदर प्रभास और दीपिका पादुकोण को लेकर भी कई चर्चे आ रहे हैं। बताया गया है कि काल्की जो है एक बनेगा वो प्रभास, तो दीपिका पादुकोण का बच्चा काल्की नाम से बन सकता है। फिल्म के जिस तरीके से इस दूसरे टीजर में दिखाया गया उसके हिसाब से अगर बात करें तो दीपिका पादुकोण गर्भवती महिला होती है फिल्म के अंदर। अश्वत्थामा के किरदार में अमिताभ बच्चन काल्की को और इस तरीके से मारता है जिस तरीके से आपको वो याद आएगा महाभारत का युद्ध, और वो बात जिसने महाभारत में आपने जो देखा था। जी हाँ, महाभारत की वो पुरानी बातें आपको याद दिला देगा फिल्म कमल हसन की, और इनकी टीम की पूरी आपको जो है मेहनत की दाद देनी पड़ेगी कि यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आने के बाद एक अलग ही छाप छोड़कर जाएगा। दोस्तों मैं आपको बताऊं कि काल की 2898 एक बहुत बड़ी फिल्म है जो बॉक्स ऑफिस पर आने से पहले करोड़ों की कमाई कर लिया है। फिल्म के अंदर बड़े बड़े बॉलीवुड से लेकर टॉलीवुड के स्टार है। फिल्म में कई बार मैं आपको बता चुका हूं कि बॉक्स ऑफिस पर आने के बाद फिल्म की अलग ही छाप होगा और बॉक्स ऑफिस पर अलग ही कहानी होगी। जिस तरीके से फिल्म के अंदर एक अलग अलग स्टार और बड़े बड़े सेलिब्रिटी इस फिल्म के अंदर जो है काम कर रहे हैं। दोस्तों 27 बॉक्स ऑफिस पर आएगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।